नमस्कार उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा करवाने हेतु संकल्प है आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा धन्यवाद एक लड़के की एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता तीन बटा पांच है तथा दूसरे लड़के द्वारा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता दो बटा पांच है यहाँ पे दो लड़कों की बात की गई है एक परीक्षा हो रही है दोनों द्वारा परीक्षा को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता यहाँ पे ली गई है पहले की प्रायिकता है तीन बटा पांच और दूसरे लड़के की उत्तीर्ण करने की प्रायिकता है दो बटा पांच प्रायक्ता ज्ञाप कीजिए कि इनमें से कम से कम एक लड़के द्वारा यह परीक्षा उत्तीर्ण की जाएगी कम से कम बोला है ना इसका मतलब हो सकता है पहला लड़का उत्तीर्ण कर ले लेकिन दूसरा ना कर पाए हो सकता है पहला लड़का उत्तीर्ण ना कर पाए लेकिन दूसरा कर ले और हो सकता है दोनों उसको उत्तीर्ण कर ले कम से कम एक बोला है तो ये तो लेंगे ही नहीं हम प्रायिकता कि दोनों ने उत्तीर्ण नहीं करी ऐसा तो हो ही नहीं सकता ठीक है क्योंकि यहां पे हमें प्रायिकता निकालनी है कि कम से कम एक ने उत्तीर्ण कर ली है तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है हमारे पास तो इसको हल कैसे करेंगे हम कहेंगे माना पहले लड़के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता बराबर हम इसको पीवन कह सकते हैं और पीवन का मान कितना दिया गया है तीन बटा पांच राइट तो पहले लड़के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी पीवन डैश कहेंगे उसे है ना और वो हो जाएगी वन माइनस थ्री बाय फाइव मतलब कि टू बाय फाइव इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं माना पहले लड़के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता P1 डैश हो जाएगी अब हम दूसरे लड़के की बात करते हैं कि माना दूसरे लड़के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता बराबर P2 ले रहे हम तो यहाँ पे P2 का मान क्या मिलेगा दो बटा पांच राइट और अगर दूसरा लड़का परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता हम दिखाएंगे P2 बार से तो यहाँ पे P2 बार का मान आ जाएगा वन माइनस टू अपॉइंट फाइव बराबर थ्री अपॉइंट फाइव ठीक है तीन बटा पांच वो प्रायिकता होगी जिसमें दूसरा लड़का परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास सारी प्रायिकता हो गई अब प्रश्न में हमसे कहा था कि कम से कम एक लड़के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता ज्ञात करिए तो कम से कम एक लड़के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता होगी कि पहले लड़के ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है लेकिन दूसरे ने नहीं करी है मतलब P2 बार या फिर या के लिए आएगा प्लस दूसरे लड़के ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है मतलब P2 टू क्रॉस लेकिन पहले ने नहीं करी है मतलब P1 बार और या फिर दोनों लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है मतलब पीवन पहले लड़के ने भी कर लिए और दूसरे लड़के ने भी कर ली है तो अब हमें इसका मान निकालना है तो यहाँ पे पीवन का मान होगा तीन बटा पांच गुणा पीटू बार का मान आएगा तीन बटा पांच प्लस पीटू का मान होगा दो बटा पांच गुणा पीवन बार का मान आएगा दो बटा पांच प्लस P1 का मान आएगा तीन बटा पांच और P2 का मान आएगा दो बटा पांच इसको हल करके हमें प्रायिकता मिल जाएगी क्या आएगा इसे हल करके ये हो जाएगा नौ बटा पच्चीस प्लस चार बटा पच्चीस प्लस छ बटा पच्चीस तो बस अब आप इसको थोड़ा और हल करेंगे तो आपको मिलेगा उन्नीस बटा पच्चीस वो प्रायिकता जो हमसे इस प्रश्न में पूछी गई थी ठीक है ताश के बावन पत्तों की एक सुमिश्रित कड्डी में से दो पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं इको की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए यहां पे प्रायिकता बंटन किसका निकालना है इको की संख्या का कितने पत्ते निकाले गए हैं दो पत्ते निकाले गए हैं इन दो पत्तों में पत्ते इक्के के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ये दो पत्ते निकाले हो सकता है ये भी इक्के का ना हो और ये भी इक्के का ना हो हो सकता है ये इक्के का हो लेकिन ये वाला ना हो हो सकता है पहले वाला ना हो लेकिन दूसरे वाला हो और हो सकता है पहला भी इक्के का हो दूसरा भी इक्के का हो ये सारी पॉसिबिलिटीज है तो यहाँ पे प्रायिकता बंडक बनाना है आपको इको की संख्या का तो हम एक्स को क्या कहेंगे इक् की संख्या ठीक है अब इको की संख्या की बात आती है तो अब ये यह बताइए यहाँ पे पहली बार भी इक्का नहीं आया दूसरे में भी नहीं आया तो यहाँ पे एक्स का मान जीरो हुआ यहाँ पे एक्स का मान एक हुआ क्योंकि एक बार इक्का आया यहाँ भी एक बार इक्का आया और यहाँ पे दो बार इक्के आए ठीक है तो जब आप रईता बंटन बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे पी रहेगा और यहाँ पे पी एक्स रहेगा एक्स का मान जीरो भी हो सकता है एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है और यहाँ पे हमें प्रायिकता निकालनी है कि इक्का नहीं आया ठीक है इक्का ना आने की प्रायिकता, देखिए कुल पत्ते होते हैं बावन और उसमें से इक्के के होते हैं चार पत्ते तो बचे कितने पत्ते अड़तालीस पत्ते तो एक पत्ता निकाला और उसमें इक्का नहीं आया मतलब वो पत्ता इन अड़तालीस पत्तों में से कोई था राइट तो इक्का ना आने की प्रायिकता हुई अड़तालीस बटा बावन तो पहली बार भी इक्का नहीं आया और दूसरी बार भी इक्का नहीं आया तो अड़तालीस बटा बावन इंटू अड़तालीस बटा बावन मतलब एक बार इक्का आया और वो एक बार इक्का हो सकता है पहली बार में आया लेकिन दूसरी में नहीं आया हो सकता है पहली में नहीं आया लेकिन दूसरी में आया तो इसकी प्रायिकता क्या होगी देखिए यहाँ इक्का आया इक्का आया मतलब इसकी प्रायिकता है चार बटा बावन और यहां इक्का नहीं आया मतलब कि अड़तालीस बटा बावन या फिर प्लस पहली बार में एक का नहीं आया मतलब अड़तालीस बटा बावन लेकिन दूसरी बार में एक का आया मतलब कि चार बटा बावन ये जो प्रायिकता है ये होगी एक के लिए इसको थोड़ा सा हल करके हम ऐसा लिख सकते हैं ये दोनों सेम ही है तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू फोर अपॉन फिफ्टी टू इंटू फोर्टी एट अपॉन फिफ्टी टू ठीक है दो बार है ना तो दो से गुणा कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब दोनों में इक्का आया तो इक्का आने की प्रायिकता है चार बटा बावन और दूसरी बार भी इक्का आया मतलब कि चार बटा बावन इसकी प्रायिकता हुई चार बटा बावन गुना चार बटा बावन इसको हल करके हमें मिलेगा वन फोर्टी फोर अपॉन वन सिक्सटी नाइन इसको हल करके मिलेगा ट्वेंटी फोर अपॉन वन सिक्सटी नाइन और इसको हल करके मिलेगा वन अपॉन वन सिक्सटी नाइन अब अगर आपको अपना आंसर चेक करना है इन तीनों का योग करके देखिए एक आना चाहिए एक आ गया तो आपका आंसर ठीक है वरना कहीं पे मिस्टेक हुई है ठीक है तो ये आई इसके प्रायिकता बंटन एक बक्से में दस कार्ड एक से दस तक पूर्णांक कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया इस बक्से में से एक कार्ड यात्रित निकाला गया यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या तीन से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है यहां दो बातें की गई हैं। एक तो कार्ड में संख्या सम होना और दूसरा संख्या तीन से अधिक होना राइट ये दो बातें की गई हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा इसमें कुल एक से दस तक की संख्या है ना तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ तक की कोई सी भी संख्या उन कार्ड्स में है मतलब यहाँ तक की संख्या के समस्त कार्ड उस बक्से में है अब दो बातें आती हैं। पहली बात ए जिसे हम कह रहे हैं कि संख्या तीन से अधिक है इस घटना के लिए ए के लिए समुच्चय क्या बनेगा तीन से अधिक है संख्या मतलब कि चार पांच छ सात आठ नौ और दस कुछ भी हो सकती है और दूसरा हम बी ले सकते हैं जिसमें संख्या सम है संख्या सम है तो एक से दस तक सम संख्याओं का समुच्चय कौन सा बनेगा दो चार छ आठ और दस राइट अब इन दोनों की प्रायिकताएं अलग अलग निकालते हैं पहले बताइए तीन से अधिक होने संख्या तीन से अधिक होने की प्रायिकता क्या आएगी तीन से अधिक कुल कितनी संख्याएं हैं सात और कुल संख्याएं हैं दस तो प्रायिकता प्रत बटा दस और सम संख्या होने की प्रायिकता क्या आएगी कुल संख्याएं हैं दस और उसमें से सम संख्या है पांच तो सम संख्या होने की प्रा, प्रायिकता हुई एक बटा दो ठीक है अब आप मुझे वो प्रायिकता बताइए जिसमें संख्या सम भी है और तीन से बड़ी भी है उसकी प्रायिकता क्या होगी सम संख्याएं हैं ये और इसमें तीन से बड़ी संख्याएं कितनी है चार तो ये होगा चार बटा कुल संख्याएं थी दस तो प्रायिकता होगी दो बटा पांच इस प्रश्न में निकालना क्या है यहाँ पे आपको ये ज्ञात है कि संख्या तीन से अधिक है ठीक है और उस संख्या के सम होने की प्रायिकता निकालनी है तो देखिए तीन से अधिक है तो मतलब ये है और तीन से अधिक इन वाली संख्याओं में सम संख्या कितनी है एक दो तीन चार तो इसकी प्रायिकता चार बटा सात आएगी ये तो हमें यही से पता चल रहा है लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करें तो हमें क्या निकालना है हम यहाँ पे P B अपॉन A का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा P B इंटरसेक्शन A अपॉन P A P B इंटरसेक्शन A का मान है दो बटा पांच अपॉन P A का मान है सात बटा दस इसे आप लिख सकते हैं चार बटा सात ठीक है तो यहाँ पे वो प्रायिकता कितनी आएगी चार बटा सात जो कि हमें यहां से पता चल गया था लेकिन प्रॉपर करने का तरीका आपका ये रहेगा ठीक है एक परिवार में दो बच्चे हैं यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपको पता है दो बच्चे हैं मतलब जो पूरा का पूरा हमारा ये सेट बन रहा है दो बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं हो सकता है दोनों लड़की हो हो सकता है पहली लड़की दूसरा लड़का हो हो सकता है पहला लड़का और दूसरी लड़की हो और हो सकता है दोनों लड़के हो ठीक है लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दी है कि ये ज्ञात है कि कम से कम एक लड़का है मतलब ये वाली कंडीशन कैंसिल हो गई कि दोनों लड़की है तो कुल cool कंडीशन कितनी हो गई कि ये तीन हो गई ठीक है अब हमारे सैंपल स्पेस में तीन कंडीशन बची अभी रफ वक्त बता रही मैं आपको हमारे सैंपल स्पेस में तीन कंडीशन बची आपको ये बताना है दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। तो दोनों बच्चे लड़के हैं उसके लिए कितनी कंडीशन है हमारे पास एक और कुल कितनी कंडीशन है तीन तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा तीन राइट अब इसको हम करने का तरीका समझते हैं माना घटना ए बराबर आप एक घटना ले रहे हैं कि दोनों लड़के हैं मतलब दोनों बच्चे कैसे हैं लड़के हैं और घटना बी ले रहे हैं आप घटना बी बराबर कम से कम एक बच्चा लड़का है राइट अब कम से कम एक बच्चा लड़का होगा तो इसके लिए सेट क्या बनेगा हो सकता है दोनों लड़के हो हो सकता है पहला लड़का दूसरी लड़की हो और हो सकता है पहली लड़की और दूसरा लड़का हो और दोनों लड़के हैं उसके लिए तो एक ही बनेगा बी और बी मतलब कि दोनों लड़के हैं ठीक है और हमें क्या निकालना है हमें प्रायिकता निकालनी है घटना बी की तो कम से कम एक लड़का हो तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी तीन बटा चार क्योंकि कुल कितने कंडीशंस थे चार कंडीशन थे और कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता होगी तीन बटा चार सैंपल स्पेस तो यही बनेगा ना बीबी बी दी जी जी बी और जी जी पूरा सैंपल स्पेस तो यही बनेगा और हम यहाँ पे प्रायिकता निकाल रहे हैं घटना बी की मतलब वो प्रायुक्ता जिसमें कम से कम एक लड़का होगा कुल है चार और कम से कम एक लड़के की कंडीशन है तीन तो तीन बटा चार होगी घटना बी की प्रायिकता अब हम निकालना चाह रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा मतलब दोनों लड़के हैं और कम से कम एक लड़का है तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में के इंटरसेक्शन में एक चीज कॉमन आ रही है तो एक आ गया ऊपर अपॉन कुल कितने आ रहे हैं चार आ रहे हैं एक इसका और तीन इसके तो एक बटा चार ये आ जाएगा राइट और अब हमें प्रायिकता किसकी चाहिए हमें प्रायिकता चाहिए ए अपॉन बी की ए अपॉन बी की प्रायिकता बराबर क्या होता है सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी यही होगा ना मतलब वो प्रायिकता जब कम से कम एक लड़का हो और दोनों लड़के हो क्या मतलब एक घटना घटित हो चुकी है और दूसरी घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है यहाँ पे ये डिक्लेयर हो चुका है कि कम से कम एक लड़का है मतलब कि बी डिक्लेयर हो चुका है और आपको प्रायिकता निकालनी है कि दोनों बच्चे लड़के हैं मतलब एक ही प्रायिकता आपको निकालनी है जब बी डिक्लेयर हो चुका है तो उसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी के रूप में आप इसको हल करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 4, तो ऊपर तो आया वन अपॉन फोर अपॉन पीबी का मान कितना है तो स्टूडेंट right? का हो तो थोड़ा सा तो इस तरीके से करना ही पड़ेगा ना डायरेक्ट आप आंसर नहीं देंगे हाँ अगर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है तो उसमें तो आप जैसे मर्जी शॉर्टकट मारो लेकिन अगर प्रॉपर सॉल्व करके देना है आंसर तो ये तरीका रहेगा तो रहे आपका करने का यदि दिया गया है कि दो पासों के फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है दोनों संख्याओं का योग चार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए प्रश्न भी बड़ा आसान है आप जानते हैं दो पासों को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना मिलता है छत्तीस मिलते हैं तो हमारे सैंपल स्पेस में कुल कितने अवयव रहेंगे छत्तीस अवयव रहेंगे हम यहाँ पे एक घटना ए बोलते हैं ऐसी घटना है जिसमें दोनों संख्याओं का योग चार होगा तो दोनों संख्याओं का योग चार होगा तो इसके लिए आप क्या सेट बनाएंगे हो सकता है पहले में एक आया हो और दूसरे में तीन आया हो हो सकता है दोनों में दो दो आए हो।, हो सकता है पहले में तीन और दूसरे में एक आया हो इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता इसके अलावा और कोई अवयव इसमें नहीं आ सकता राइट अब ये बताइए यहां पे डिक्लेयर किया है कि संख्याएं भिन्न भिन्न है राइट और दोनों पासों में समान संख्या आने के परिणाम क्या क्या रहेंगे आप जानते हैं पासों में हो सकता है वन वन आ जाए दोनों में टू टू आ जाए दोनों में थ्री थ्री दोनों में फोर फोर दोनों में फाइव फाइव या फिर दोनों में सिक्स सिक्स आ जाए इसके अलावा तो और कोई परिणाम नहीं होंगे मतलब ये तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये तो भिन्न भिन्न है मतलब ये वाले छह अवयव इसमें नहीं आएंगे राइट तो हम यहाँ पे इसको घटना बी बोलते हैं जिसमें पासों में समान अवयव आ रहे हैं तो ये तो यहाँ पे हम एक घटना बी ले रहे हैं जब संख्याए भिन्न हो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि संख्याएं कैसी है भिन्न है तो संख्याएं भिन्न है तो मतलब बी में कितने अवयव होंगे कुल थे छत्तीस उसमें से आप माइनस कर दोगे जिसमें कि अवयव समान थे समान अवयव वाले थे 6 तो यहाँ पे कुल तीस अवयव आपको मिलेंगे तो ए में बी का आप जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन करवाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा ये देखिए ये है वन थ्री ये इसमें हो सकता है क्योंकि यहाँ पे समान अवयव नहीं है टू टू ये नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ आ रहा है तो टू टू को छोड़ देंगे और थ्री वन भी आ जाएगा इसमें राइट तो ये बताइए मतलब इसकी प्रायिकता कितनी होगी कितनी आएगी देखिए ये है दो अव्य और कुल कितने अव्य है छत्तीस तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी एक बटा अठारह आप समझ रहे हमने क्या किया अभी तक हमने एक घटना मानी ए जिसमें की योग आ रहा था चार लेकिन साथ में ये भी बात की गई थी कि संख्याएं भिन्न होनी चाहिए समान संख्याओं के लिए हमारे पास ये कंडीशंस होती है मतलब कि छह अवयव ऐसे आते हैं अवयवों में जिसमें की समान होती है तो वो हमें हटाने हैं तो हमने बी एक ऐसा इवेंट लिया है जिसमें संख्याएं भिन्न भिन्न है तो उसमें कितने अवयव आएंगे उसमें तीस अवयव आएंगे तो जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन करवाएंगे ए और बी का इंटरसेक्शन इसलिए करवाया है क्योंकि ये वो अवयव है जो जिनका योग चार आ रहा है और चूस की संख्याएं भी भिन्न भिन्न है तो इसकी प्रायिकता होगी दो बटा छत्तीस मतलब कि एक बटा अठारह ये दो ही कंडीशन ऐसी होगी जिसमें योग चार भी आएगा और संख्याएं भिन्न भिन्न भिन भी आएंगी अब आप मुझे बी की प्रायिकता बताइए बी की प्रायिकता कितनी आएगी तीस बटा छत्तीस क्योंकि b में कितने अवयव है तीस और कुल अवयव है छत्तीस तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी पांच बटा राइट हमें प्रायिकता निकालनी है कि दोनों का योग चार आ रहा है और संख्याएं भिन्न है तो इसका मतलब आप कहेंगे प्रायिकता ए की जब भी घटित हो चुका है बी था कि संख्याएं भिन्न है मतलब पहले आपने देखा कि संख्याएं भिन्न होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में भी आप देखेंगे पहले लिखा है कि संख्याएं भिन्न है उसके बाद आप देख रहे हैं कि उनका योग चार आना चाहिए राइट तो यहाँ पे बी घटित हो चुका है और ए की प्रायिकता आपको निकालनी है तो इसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी है एक बटा अठारह अपॉन पी बी है पांच बटा छ इसको हल करके आपको मिलेगा एक बटा पंद्रह ये वो प्रायिकता है जिसमें संख्याओं का योग चार भी है और संख्याएं भिन्न भी है ठीक है